नमस्ते, माध्यमिक न्यूज रे में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में हम बंग महिला द्वारा रचित भाई बहन कहानी का पाठ करेंगे, उसके बाद लेखिका परिचय दे पढ़ेंगे। चलिए पहले पढ़ते हैं कहानी भाई बहन। आज नाटी इमली का भरत मिलाप है। बाबू जयराम दास जी अपने दोनों लड़के लड़की को लेकर मेला देखने को जा रहे हैं। दोनों भाई बहन पिता के दोनों हाथ पकड़कर बड़ी खुशी के साथ जा रहे थे। भाई का नाम शायद जो कुछ हो, पर रंग खूब गोरा होने से उसे सब लोग साहब कहकर पुकारते थे। साहब की उम्र कोई 11 साल की थी, पर बहन की उम्र कोई 6-7 वर्ष की होगी। उसका नाम तो सुंदर देई था, पर लोग प्यार से उसे सुंदरिया कहा करते थे। एक आने की पूंजी लेकर सुंदर मेला देखने चली थी। उसी के भरोसे जो चीजें देखती थी उसी पर टूट पड़ती थी। उसके इस भोलेपन पर साहब बेचारे को बड़ी हंसी आती थी। जब सुंदर 10-12 चीजों का नाम लेकर कहने लगी, मैं यह मोल लूंगी, वह मोल लूंगी, तब साहब ने कहा, वाजी, तुम्हारे पास तो 3-4 पैसे कुल हैं, तुम इतनी चीजें कैसे ले सकती हो? मेरे पास बहुत से पैसे हैं, मैं सब कुछ खरीदूंगा, केला, नारंगी, अमरूद, रेवड़ी, नान खताई वगैरह। सुंदर पर साहब की इस बात का कुछ भी प्रभाव ना पड़ा, क्योंकि सुंदर की माँ प्राय उससे कहा करती थी, बेटी तुम भैया से छोटी हो ना, तुम्हें सब चीज में भैया से कमती हिस्सा लेना चाहिए। माँ की यह बातें सुंदर हमेशा ध्यान में रखती थी, और उसे यह भी दृढ़ विश्वास था कि मैं 4 ही पैसे में सब मोल ले सकती हूँ। इन सब कारणों से साहब का हौसला पूरा न हुआ। जिसके हृदय में संतोष है उसी ने सब कुछ भर पाया। साहब को सब है और मेरा कुछ नहीं है, यह बात उसे कभी दुख नहीं दे सकती। निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम है। साहब सुंदर की मूर्खता की बातें पिता से कहने लगा। वह बेचारे साहब के मतलब को न समझकर बोले, हाँ बेटा, पहले मेला देख लो, फिर लौटते वक्त सब ले देंगे। लाचार होकर साहब मदरसे के मौलवी जी की तरह अथवा स्कूल के नीचे दर्जे के मास्टर की भांति बहन को समझाने लगा। सुंदर का 4 पैसा अपने हाथ में लेकर एक एक चीज का नाम कहता हुआ एक एक पैसा सुंदर को देकर बोला, लो हो न गया, 4 पैसे में 4 ही चीजें मिलेगी कि ज्यादे। फिर साहब अपना सब पैसा एक हाथ में लेकर एक एक चीज के नाम से दूसरे हाथ पर रखता गया और बोला, देखो मैं तो सब चीजें ले सकूंगा ना। तब बिचारी सुंदर दई बड़े भोलेपन से भाई के मुंह की ओर ताकती हुई बोली, तो क्या उसमें से थोड़ा मुझे भी न दोगे भैया? सुंदर की इस बात पर साहब को लज्जित होना पड़ा। मेला देखकर निज इच्छा अनुसार चीजें लेकर दोनों भाई बहन पिता के संग घर लौट आए। एक दिन शाम को साहब के बड़े भाई श्रीराम
दिए के उजियाले में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। इतने में साहब और सुंदर दोनों आकर वहीं बैठ गए। सुंदर बोला, बड़े भैया देखो साहब भैया की किताब में कैसी अच्छी रेलगाड़ी की तस्वीर है, तुम्हारे किताब में तो कोई तस्वीर ही नहीं है। इतने में साहब बोल बैठा, अजी तुम तो तस्वीर की गाड़ी कहती हो, मैं आज जो खेलने की रेलगाड़ी 5 आने में लाया हूँ सो तुमने देखी ही नहीं। यह कहकर साहब चट उस रेलगाड़ी को लाकर बड़े भाई को और छोटी बहन को बड़े उत्साह से दिखाने लगे। सुंदर ने भी 1 पैसे में एक मिट्टी का खिलौना खरीदा था, वह भी चट उस खिलौने को ले आई। सुंदर के इस काम पर साहब हंसकर बोले, 1 पैसे का मिट्टी का खिलौना लेकर चलिए दिखाने, देखो मेरी गाड़ी में चाबी लगा देने से कैसी दौड़ती है। सुंदर बिचारी उदास होकर बड़े भाई की तरफ देखने लगी। तब श्री राम हंसकर बोले, तुम्हारा खिलौना बहुत अच्छा है सुंदर, साहब तो पूरा बेवकूफ है, नाहक 5 आने पैसे दूसरे देश के कारीगर को दे आया। साहब ने कुछ रूखेपन से जवाब दिया, दूसरा देश कैसा, मैं तो रामदीन बिसाती से यह गाड़ी मोल लाया हूँ। श्री राम, हाँ मोल तो तुमने रामदीन से ली सही, लेकिन रामदीन ने इसे बनाया तो नहीं है, बनाया है जर्मनी के कारीगरों ने, आखिरकार तुम्हारा नहीं तो बिसाती का पैसा उसके यहाँ गया कि नहीं। वे लोग तो हर तरह से मोटे ताजे हैं, और बेचारे यहाँ के जो कुम्हार और कारीगर हैं, उन्हें दिन भर में नमक रोटी भी मुश्किल से मिलती है। वे लोग यदि 5 आने पैसे पावे तो उनकी तो उनको पेट भर खाने को मिल जाए। खैर सुनो साहब, इस समय हम तुम्हें कुछ न कहते, न तुम्हें रंज होता, किंतु परमेश्वर का यह नियम है कि जो दूसरे किसी को नीचा दिखाना चाहता है वह पहले आप ही नीचा दिखता है। न तुम सुंदरिया को नीचा दिखाते, न आप देखते, तुम चाल चलन में पढ़ने लिखने में अच्छे हो पर बड़े ही अभिमानी हो, शायद यह दोष तुम्हारे नाम से उत्पन्न हुआ होगा। अच्छा अब से तुम अपने असली नाम से हरि राम कहकर पुकारे जाओगे। अब इस खिलौने के बारे में 2-4 बातें और सुन लो। यह तो तुमने जान लिया कि इसे बनाया है किसने, अब जरा सोचकर देखो, इसे खरीदने से हमारे देश को हानि और दूसरे देश को लाभ पहुंचता है या नहीं। आज तुमने इसे मोल लिया है, 2 दिन के पीछे तोड़ फोड़ कर फेंक दोगे, परंतु ऐसे ऐसे तुच्छ खिलौनों के लिए कई लाख रुपए हर साल हिंदुस्तान से निकल जाते हैं। इसी तरह सुई, डोरा, कंघी, दिया सलाई इत्यादि छोटी मोटी चीजों के लिए भी कितने रुपए दूर देश वालों को दे देते हैं, उसका लेखा लगाने से छाती दहल जाती है, और उसी के साथ थोड़े से मुनाफे पर चावल गेहूं आदि गल्ले को बेच डालते हैं। इसमें दूसरों का कुछ दोष नहीं है, हम सब अपनी करनी से दिन गरीब से गरीब, अधम से अधम हो रहे हैं, पर तब भी चेत नहीं होता। हम लोगों में यह एक भारी दोष है कि जितना कहते हैं उसका चौथाई भी नहीं कर सकते। यह बात तो सभी कहेंगे कि भारत का सब तरह से सत्यानाश हो रहा है, किंतु उसकी बिगड़ती हुई दशा को सुधारने में बहुत ही कम मनुष्य बचे हुए हैं। आज तुम लड़के हो, कल तुम ही युवा पुरुष हो जाओगे, यदि चाहोगे
तो अपने हाथ से इस गिरे हुए देश की बहुत कुछ भलाई कर सकोगे। तुमको चाहिए कि अपने देश की भलाई के लिए उपाय विचारो और सीखो। लड़कपन में जिस बात का प्रभाव मनुष्य पर पड़ जाता है, बड़े होने पर वह उसी अनुसार व्यवहार करता है। यदि तुम अभी से देसी चीजें काम में लाओगे तो मैं स्वदेश की बनी हुई कोई उत्तम चीज तुम्हें इनाम दूंगा। ऊपर लिखी हुई बातों को हुए आज 20 वर्ष हो गए हैं। अब बाबू हरिराम वर्मा बीएल शहर के एक नामी वकीलों में से हैं। यद्यपि शहर में कई एक अच्छे अच्छे पुराने वकील हैं, किंतु देश की भलाई के सब कामों में अगुवा होने के हेतु हरिराम सबसे ऊपर हो रहे हैं। हरिराम ने निज व्यय से मातृ भंडार नामक एक बहुत बड़ी दुकान खुलवाई है, जिसमें हर मनुष्य के काम लायक सब स्वदेशी बनी चीजें मिलती हैं। बाबू श्रीराम अपने छोटे भाई का इस भांति स्वदेश प्रेम और अपने उपदेश का प्रभाव देखकर बहुत ही सुखी होते हैं। सुंदर देवी भी 11 वर्ष की अवस्था में एक जमींदार की पतोहू हो गई। उसके पति भी एक देश हितेशी सज्जन है। अब सुंदर देवी अपने घर की मालकिन हुई है और अपने पति के सद्गुणों और अच्छे कामों की सहकारिणी बनी है। इसी के साथ पाठ भाई बहन का पूरा हुआ। अब हम लेखिका परिचय देखेंगे। लेखिका परिचय। बंग महिला का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष है। इनका जन्म सन 1882 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता बाबूराम प्रसन्न घोष मिर्जापुर के प्रतिष्ठित नागरिक थे। वह जार्डन कंपनी में अधिकारी थे। उनकी माता निरदवासिनी घोष विदुषी महिला थी। माता के संरक्षण में ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इन्हें बंग महिला के नाम से डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने संबोधित करना प्रारंभ किया। इन्होंने लेख, जीवनी, कहानी आदि से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली, भाई बहन, हृदय, परीक्षा, मन की दृढ़ता आदि उनकी कहानियां हैं। जोधाबाई, अबुल फजल, वैकुंठ दास उनके द्वारा लिखित जीवनी साहित्य है। स्त्रियों की शिक्षा, हमारे देश की स्त्रियों की दशा आदि उनके द्वारा लिखे लेख हैं। दुलाई वाली इनकी प्रसिद्ध कहानी है, जो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी कहानी संग्रह का नाम कुसुम है। श्रीमती बंग महिला की यह रचना सन 1908 में बाल प्रभाकर खंड 3 अंक 1 में प्रकाशित हुई थी। इसमें स्वदेश और स्वदेशी वस्तुओं की ओर सरल शब्दों में बालकों का ध्यान आकृष्ट किया गया है। इनकी मृत्यु 24 फरवरी 1949 ईस्वी को मिर्जापुर में हुई थी। इस तरह भाई बहन कहानी का पाठ और लेखिका परिचय का पाठ हुआ। इसे पढ़ने का उद्देश्य यही है कि अगर इसे सुना जाए तो सहज में ही MCQ हम कर सकते हैं और साथ ही एक वाक्य वाला प्रश्न का उत्तर भी। जहां तक रहा बड़े प्रश्नों का 100 शब्दों में, तो इसे सुनने मात्र से और लिखने से हम 100 शब्दों वाला भी कर सकते हैं। धन्यवाद।